गोपद व्रत विधि। अषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गोपद व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार गोपद व्रत के दिन व्रती को प्रातः स्नान कर लेना चाहिए। पूरे दिन श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हुए उनके चार हाथ, विशाल व सुंदर सडोल शरीर, शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी तथा गरुड़ आदि के बारे में चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न देवगण उनकी सेवा में लगे हुए हैं ऐसा सोचना चाहिए। ऐसे ही विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री। देव मूर्ति के स्नान के लिए तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, जल का कलश, दूध, देव मूर्ति को अर्पित किए जाने वाला वस्त्र व आभूषण, चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, तुलसी दल, तिल, जनेऊ, फल, फूल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान, दक्षिणा। श्री विष्णु पूजन विधि। सर्वप्रथम गणेश पूजन करें। गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन करें। अब भगवान विष्णु का पूजन शुरू करें। भगवान विष्णु का आह्वान करें। आह्वान यानी कि बुलाना। भगवान विष्णु को अपने आसन दें। अब भगवान विष्णु को स्नान कराएं। स्नान पहले जल से, फिर पंचामृत से और वापस जल से स्नान कराएं। अब भगवान को वस्त्र पहनाएं। वस्त्रों के बाद आभूषण और फिर यज्ञ उपोवतित यानी जनेऊ पहनाएं। अब पुष्पमाला पहनाएं। सुगंधित इत्र अर्पित करें। अब तिलक करें। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग करें। अब धूप व दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है। तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तिल अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा अनुसार घी या तेल का दीपक लगाएं। आरती करें। आरती के पश्चात परिक्रमा करें। अब नैवेद्य अर्पित करें। भगवान नारायण के पूजन के समय विष्णु मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित मुख्य मंत्र। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायणा विद्वे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु कृष्ण अवतार मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विष्णु रूपम पूजन मंत्र। शांताकारम भुजदंड शयनम पद्म नाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी अभिध्यान नग्द्यम, वंदे विष्णु भवभव्यहरम सर्व लोके लोक लोके कना नाथम। मंत्र का अर्थ। जिस हरि का रूप अति शांतिमय है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, इनकी नाभि से जो कमल निकल रहा है वो समस्त जगत का आधार है, जो गगन के समान हर जगह व्याप्त है, जो नील कमलों के रंग के समान रंग वाले हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने पर मिल जाते हैं, जो समस्त जगत के स्वामी हैं,
जो भय का नाश करने वाले हैं। धन की देवी लक्ष्मी जी के पति हैं। इसे प्रभु हरि को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पूजा समाप्ति पर आचार्य और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाने चाहिए तथा वस्त्र आभूषण आदि दान करना चाहिए। गोपद व्रत का पूरी श्रद्धा भाव से पालन करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तथा व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। गोपद व्रत सभी सुखों को प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके अलावा इस व्रत की महिमा से व्रती संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर स्वर्ग में निवास करता है।